jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। अलवर मथुरा सड़क मार्ग पर भरतपुर जिले की डीग तहसील के बहज गांव में सोमवार देर रात करीब 12 बजे टाटा स्पेशियो सड़क किनारे पोखर तालाब में गिर गया। गाड़ी में अलवर निवासी एक ही परिवार के 9 लोग सवार थे, जिनमें से 4 की मौत हो गई, अन्य 5 लोग घायल हो गए। इनमें से एक को अलवर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब इस हादसे से पहले इस परिवार की कुछ फोटो सामने आई है। यह पूरा परिवार मध्य प्रदेश के सोनगिरी जैन तीर्थ के दर्शन कर अलवर लौट रहा था, तभी कोहरे की वजह से यह हादसा हो गया। अलवर के शिकारी पाड़ा निवासी गिराज प्रसाद की मनी का बड़ पर चाय की स्टॉल है। उनका बेटा पवन जैन 60 फुट रोड पर पत्नी बच्चों के साथ रहता था। रविवार 31 दिसंबर को 35 वर्षीय पवन जैन, उसकी 32 वर्षीय पत्नी मनीषा, 7 साल की बेटी परी, 10 साल का बेटा पीयूष, रामगढ़ में रहने वाली पवन की बड़ी बहन इंदिरा, इंदिरा का पति संजय, उसके 2 बेटे संकेत और नितिन ससुर पदम चंदन मध्य प्रदेश के सोनगिरी जैन तीर्थ के दर्शन के लिए गए थे। सोमवार 1 जनवरी की रात सभी दर्शन करने के बाद अलवर लौट रहे थे, तभी बहज गाँव में इनका वाहन पोखर में गिर गया। वाहन को रामगढ़ निवासी बबलू नाम का ड्राइवर चला रहा था। हादसे में पवन जैन, उसकी पत्नी मनीषा जैन, बेटी परी पवन की बहन इंदिरा की मौत हो गई। इंदिरा के ससुर पदम चंद जैन को अलवर के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक पवन जैन ने करीब 6 महीने पहले ही 60 फुट रोड पर इमानुवेल स्कूल के पास मकान बनाया था। वह इसी रोड पर नल फिटिंग के सामान की दुकान चलाता था। पवन के पिता गिराज प्रसाद, उनकी पत्नी रामवती अपने 2 अन्य बेटों के साथ शिकारी पाड़ा में रहते हैं। पड़ोसियों ने बताया कि पहले मनीषा अपने पति पवन बच्चों के साथ शिकारी पाड़ा में रहती थी। 60 फुट रोड पर उन्होंने नया मकान बनाया था। सामान शिफ्ट करते समय मनीषा ने पड़ोसी महिलाओं से कहा था कि मोहल्ला छोड़कर जा रही हूं, लेकिन यहां आती रहूंगी। जिस समय तीनों अर्थियां एक साथ उठी, उस समय पड़ोस में रहने वाली एक महिला रोते हुए कह रही थी कि मनीषा, तू तो मोहल्ला छोड़कर जाने की कहकर गई थी, दुनिया क्या है छोड़ गई। चारों शवों के पोस्टमार्टम डीग में किए गए। डीग पुलिस के मुताबिक पोखर में गिरे वाहन में पानी भरने पर दम घुटने से चारों की मौत हुई।